संबोधित करावे. बोलो भारत माता की. मोदी सरकारच्या 9 वर्ष पूर्तीच्या निमित्तानं आपल्या नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघात होत असलेल्या या कार्यक्रमाला उपस्थित आपल्या भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीयजी, दुसरे आपल्या या ठिकाणी आलेले पाहुणे शेजारच्या राज्याचे गोव्याचे राज्यसभेचे खासदार आणि माजी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे आदरणीय विनयजी तेंडुलकर, नंदुरबार जिल्ह्याचे शिल्पकार आणि नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री आदरणीय नामदार डॉक्टर विजयकुमार गावित साहेब, नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉक्टर सुप्रियाताई गावित, या मोदी सरकारच्या 9 वर्ष पूर्तीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं भारतीय जनता पार्टीने 3-3 लोकसभेचे क्लस्टर तयार केलेले आहे. नंदुरबार धुळे आणि दिंडोरी या 3 लोकसभेच्या क्लस्टरचे प्रमुख आपल्या शेजारच्या शिंदखेडा दोंडाईच्या मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय जयकुमार भाऊ राऊळ, महाराष्ट्राचे भारतीय जनता पार्टीचे महामंत्री आणि नंदुरबारचे भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा अध्यक्ष आदरणीय विजय भाऊ चौधरी, तळोदा शहादा मतदारसंघाचे आमदार आदरणीय राजेशदादा पाडवी, नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघाचे प्रभारी म्हणून आत्ता ज्यांची नियुक्ती झाली ते आदरणीय डॉक्टर तुषार भाऊ रंधे, महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपीचे उपाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्रजी गावित, या कार्यक्रमाला उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी, नंदुरबार विधानसभा मतदारसंघात वेगवेगळ्या योजनेचे सर्व लाभार्थी, ज्येष्ठ वडीलधारी, माता बंधू भगिनी आणि पत्रकार बांधवांनो, सर्वप्रथम आज आपल्या नंदुरबार शहरात आजी आणि आदरणीय विनयजींचं मी आपल्या या लोकसभा मतदारसंघाच्या वतीनं मनापासून स्वागत करते आणि मला खूप आनंद वाटतोय की आपल्या या लोकसभा मतदारसंघात आज देशाचे भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय महामंत्री आणि खासदार राज्यसभेचे हे दोन्ही प्रमुख पाहुणे म्हणून मोदी सरकारच्या 9 वर्षाच्या पूर्तीच्या निमित्तानं आपल्या या नंदनगरीमध्ये आज आलेले आणि 2 दिवसाच्या यांच्या या दौऱ्यामध्ये माझ्या लोकसभा मतदारसंघातला जवळपास अर्ध्यापेक्षा जास्त मतदारसंघाचा प्रवास त्यांचा या ठिकाणी होणार आहे. आपला हा नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघ तसं भौगोलिकदृष्ट्या फार कठीण मतदारसंघ आहे. महाराष्ट्रात टोटल 48 मतदारसंघांपैकी सर्वात कठीण मतदारसंघ हा आपला आहे, कारण आपल्याकडे पहाडी पट्टा आहे, आपल्याकडे प्लेन आहे. कैलाशजी और विनयजी को मैं बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में कुल मिला के 48 लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी है, उसमें सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थिति अगर हम देखें तो हमारे नंदुरबार लोकसभा क्षेत्र की है, क्योंकि यहाँ सातपुड़ा भी है, यहाँ से सह्याद्री की भी शुरुआत होती है. हमारे यहाँ एक धड़गांव विधानसभा है जो पूरा पहाड़ में है, सिर्फ 20% प्लेन में होगा, नहीं तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है. तळोदा शहादा मतदारसंघ जो हमारे राजेश जी का है उसमें थोड़ा भाग ये पहाड़ी एरिया है. फिर हमारे तुषार जी जो शिरपुर विधानसभा जहाँ कल हम जाने वाले हैं वहाँ भी थोड़ा पहाड़ है, और नवापुर जहाँ आज हम दोपहर में जाने वाले हैं वहाँ से सह्याद्री की शुरुआत होती है. तो देखने जाए तो ज्योग्राफिकली बहुत डिफिकल्ट ये क्षेत्र है, और जितना डिफिकल्ट ज्योग्राफिकली ये क्षेत्र है उतनी समस्याएं यहाँ पे बहुत थी. 2014 में जब पहली बार चुनाव में लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी से मुझे उम्मीदवारी मिली तो देश की सबसे युवा कैंडिडेट में ही थी और सबसे सीनियर कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ रही थी. उस समय मेरी उम्र केवल 26 साल थी और जिनके सामने मैं चुनाव लड़ रही थी उनका पूरा एज अ सांसद उनका टेन्योर 40 साल का था.
तो मेरा जितना उम्र था उससे कई साल ज्यादा वो सांसद रह चुके थे। तो बहुत एक बड़ी चुनौती यहाँ थी, क्योंकि एक आदिवासी क्षेत्र है, बहुत सारी समस्याएं भी थी। लेकिन नंदुरबार लोकसभा की जनता ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया, मोदी जी को आशीर्वाद दिया, और 2014 में मुझे यहाँ से सांसद बनाया और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये नंदुरबार संसदीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस छोड़ के कोई दूसरी पार्टी का सांसद बना है, और वो सौभाग्य हमें यहाँ प्राप्त हुआ। जिस आशा और आकांक्षा से यहाँ की जनता ने हमें चुन के दिया, तो उतनी ही यहाँ पे समस्याएं भी जटिल थी। जो पहाड़ी क्षेत्र का मैंने आपके सामने यहाँ उल्लेख किया, खास तौर पे उस क्षेत्र में बिजली पहुंची नहीं थी, ना वहां रोड थे। हम बार बार नंदुरबार का नाम कुपोषित क्षेत्र है, माल न्यूट्रिशन है, माता मृत्यु यहाँ बहुत होता है, ये हम बार बार सुनते आते हैं। और ये जो क्षेत्रों में है वहां पे कभी बिजली नहीं पहुंची थी। तो चुनके आने के बाद मेरा पहला टारगेट था कि मेरे क्षेत्र में बिजली आनी चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर भी किया था सरकार बनने के बाद कि हम हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे। तो मैंने और मेरे पिताजी गावित साहब, हमने ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुला के हमने एक उनको कहा कि आप हमको कितने गांव में बिजली नहीं पहुंची उसका एक हमको एक डिटेल रिपोर्ट आप बना के दीजिए, ताकि हम केंद्र सरकार से ये मांग करें। जब हमने रिपोर्ट बनाई तो करीब 200 करोड़ का DPR बना था। वो लेके मैं हमारे जो पावर मिनिस्टर थे पीयूष गोयल जी, उनके पास गई। जब मैं उनके पास गई तो मैं ये खास करके आपको ये किस्सा इसलिए बता रही हूँ कि किस तरह से गैप्स रह जाते हैं सिस्टम में। हमारे 2014 के पहले जो गवर्नमेंट थी वो किस तरह काम करती थी उसका भी एक यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। 2014 में जब मैं ये रिपोर्ट लेके पीयूष गोयल जी के पास गई, तो उन्होंने मेरा वो रिपोर्ट देखा, मुझे कहा, हिना जी ये क्या है? तो मैंने कहा, सर ये मेरा नंदुरबार संसदीय क्षेत्र जहाँ पे बिजली नहीं है उन गांवों का हमने DPR तैयार किया है और ये रिपोर्ट है। उन्होंने वो देखने के बाद अपने जेब से मोबाइल निकाला और मोबाइल में कुछ ऐसा खोज रहे थे, फिर मुझे मोबाइल हाथ में दिया और मुझे कहा ये पढ़िए। वो मोबाइल में मुझे एक लेटर उन्होंने दिखाया था जो महाराष्ट्र की तब की सरकार ने दिल्ली को भेजा हुआ था कि महाराष्ट्र में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और अभी एक भी गांव बचा नहीं जिधर बिजली नहीं पहुंच। ऐसी स्थिति थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी आप मुझे बताइए मैं किस पे विश्वास करूं। मैंने कहा, सर आप तो मंत्री हैं, आप तो जो सरकारी चिट्ठी आएगी उस पे विश्वास करोगे, लेकिन ये रिपोर्ट जो मैं लाई हूँ ये भी MSEB के अधिकारी ने नीचे साइन करके दिया है कि इतने गांव हमारे यहाँ अनइलेक्ट्रिफाइड है, यहाँ बिजली नहीं पहुंची। उसके बाद महाराष्ट्र में पीयूष जी ने दोबारा पूरे महाराष्ट्र का सर्वे करने के लिए आदेश दिए, और पूरे महाराष्ट्र में करीब 1200 करोड़ का DPR, ये केवल मेरे क्षेत्र का ही नहीं बाकी क्षेत्रों में भी करीब 1200 करोड़ का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना आवश्यक था, ये उस रिपोर्ट में पीयूष जी ने आदेश देने के बाद आया। और मेरे ये संसदीय क्षेत्र में जो हमने अधिकारियों को शुरुआत में कहा था कि हमको DPR दो, जो 200 करोड़ का बना था वो आगे जाके 450 करोड़ का बना। और हमारे यहाँ आज मुझे एक बात की खुशी है कि हर गांव में हम बिजली पहुंचा सके। 450 करोड़ केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने हमारे इस संसदीय क्षेत्र में दिए, और जिसके कारण आज हमारे गांव गांव में बिजली पहुंची है। यहाँ पे हमारे जय कुमार जी जो उल्लेख कर रहे थे, बावनकुड़े साहब ने हमें कुछ फंड्स दिए, तो पहाड़ी क्षेत्र में हम जब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर रहे थे तो हमको एक चीज ध्यान में आई कि हमारे वहाँ सब स्टेशन जो बड़ा 132 KV का सब स्टेशन आवश्यक है वो वहां पहाड़ में नहीं था, वो शहादा में नीचे था। तो अगर शहादा में कभी कोई फॉल्ट हो जाता तो पूरा पहाड़ 8-8 दिन तक अंधेरे में रहता था। तो हमने हमारे स्टेट के तब पावर मिनिस्टर बावनकुड़े जी थे, उनको हमने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने उस टाइम मुझे कहा कि ताई आता आमच्याकडे निधी ने, मतलब अभी हमारे पास फंड्स नहीं है, आपको मैं 2 साल बाद आपको ये सब स्टेशन दूंगा।
तो मैं 4 घंटे उनके ऑफिस में ही रुकी। मैंने कहा सर आप ये जब तक मेरा सैंक्शन नहीं करोगे मैं जाने नहीं वाली, क्योंकि हमारे आदिवासी लोग वहां अंधेरे में रहते हैं, 8-8 दिन तक उनके घरों में बिजली नहीं रहती, तो आप ये मुझे कोई भी हालत में इसी साल करके दीजिए। उन्होंने अपने को सेम उसी दिन उन्होंने मंजूरी दी और वो खुद यहाँ धड़गांव में आए और उनके हाथ से यहाँ पे भूमि पूजन हमने किया। वो काम आज पूरा हो गया है और आज मुझे बेहद खुशी होती है जब मैं पहाड़ों में जाती हूँ, हर गांव तक आज हम इलेक्ट्रिफिकेशन पहुंचा सके। 132 kV सबस्टेशन वहां हो गया है। अभी शहादा में फॉल्ट भी हो अगर तो भी पहाड़ में कभी बिजली नहीं जाएगी। इतनी अच्छी व्यवस्था हमारी सरकार ने इस आदिवासी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां आजादी के 75 साल बाद आज बिजली पहुंचाने का काम ये हमारे मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमारे इस क्षेत्र में किया है। केवल बिजली ही नहीं, वहां पे रोड कनेक्टिविटी की भी बहुत बड़ी समस्या थी। हम लोग कहते हैं वहां पे माता मृत्यु होती है, वहां पे बाल मृत्यु होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? क्योंकि वहां गांव तक एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती, रोड्स नहीं है। तो रोड्स बनाने का काम भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हमारे इस क्षेत्र में हुआ और मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा निधि ये हमारे इस आदिवासी क्षेत्र में मोदी सरकार ने दी है, जिसके कारण आज हमारे पूरे क्षेत्र में रोड्स आज बन रहे हैं। हमारे यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं थी। जब हम लोग जाते थे और कहते थे कि 108 नंबर दबाओ तो एम्बुलेंस आएगी, 103 नंबर दबाओ तो एम्बुलेंस आएगी, तो मुझे वहां लोग बोलते थे ताई लेकिन लगाने का कैसे मोबाइल, इधर तो टावर ही नहीं है। तो हमने टावर के लिए भी मांग की। पहले हमको केंद्र सरकार ने करीब 70 टावर दिए लेकिन वो भी सफिशियंट नहीं थे। तो अभी हमको 3 महीने पहले केंद्र सरकार ने करीब 150 टावर मेरे लोकसभा क्षेत्र में सैंक्शन करके दिए हैं और इस समय मैं आपको ये दावे से कह सकती हूँ कि ये 100% कवरेज मेरे क्षेत्र का होने वाला है। अभी एक भी गांव या एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां पे मोबाइल की रेंज नहीं आएगी। आप अपने घर में बैठे बैठे भी अगर मोबाइल लगाएंगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। हम लोग जब पहाड़ों में जाते हैं तो कहीं एक जगह पे मोबाइल की रेंज आती है, तो अगर कभी इमरजेंसी में किसी को फोन करना है तो कभी कोई बोलता है ते समोरचा टेकड्यावर जा तिथून फोन लागेल, मतलब सामने वाले पहाड़ पे जाओ वहां से फोन लगेगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ थी लेकिन मोदी सरकार के इस 9 वर्षों में धीरे धीरे करके सभी प्रॉब्लम्स आज दूर होती जा रही है। जिन जगहों पे लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि मोबाइल भी यहाँ तक आएगा, हम बहुत बड़ी बात करते हैं सोशल मीडिया की लेकिन यहाँ पे बेसिक बेसिक चीजें मोबाइल की रेंज जहाँ तक नहीं है, तो आज ये भी देने का काम ये हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। मला तुम्हा सगळ्यांना सांगायला अत्यंत आनंद वाटतोय की आपल्या या लोकसभा मतदारसंघामध्ये आता घरकुलांचा प्रश्नही जवळजवळ सुटत आलेला आहे। आपण पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 1,10,000 घरकुल ही आपल्या लोकसभा मतदारसंघात पहिल्या टप्प्यात मंजूर केली, त्यानंतर ड यादी तयार केली। ड यादी मध्ये आपण बऱ्याच लोकांना घरकुल मिळावी यासाठी गावोगाव घरकुलांच्या ड याद्या तयार करण्यात आल्या। त्या सर्वे नंतर जवळपास 4 लाख घरकुल ही ड यादी मध्ये आपल्या लोकसभा मतदारसंघातली ड यादी केंद्रात गेली। 4 लाखापैकी जवळपास 2.5-3 लाख घरकुल ही केंद्र सरकारने आपल्याला मंजूर करून दिलेली आहे। आता जे लोकांचं काही कारणाने राहून गेलं असेल किंवा कागदपत्रांची अपूर्ण कागदपत्र असतील किंवा एकाच रेशनिंग कार्डवर पूर्ण परिवाराचं नाव असेल, त्यांना आपण रेशनिंग कार्ड वेगळं करून नवीन पुन्हा ड यादीमध्ये नाव टाकण्याचं सांगितलेलं आहे। आता त्यांचे देखील नावं हे घरकुलांच्या ड यादीमध्ये जाणार आहे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की या येणाऱ्या पुढच्या वर्षभरामध्ये जेवढी लोक घरकुलच्या लाभापासून वंचित राहिले असतील त्यांना देखील घरकुल देण्याचं काम हे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पंतप्रधान आवास योजनेमधून आपण करणार आहोत। या ठिकाणी मंचावर गावित साहेब आलेले आहेत। गावित साहेबांनी आदिवासी विकास विभागाच्या मार्फत देखील आपल्याला आदिवासी समाज बांधवांना ज्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतनं घरकुल मिळाली नाही किंवा त्याच्यात त्यांची नावं टाकण्यात आली नाही त्यांना देखील शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुल देण्याचं काम हे या ठिकाणी आपण करत आहोत। मला या ठिकाणी सांगायला आनंद वाटतो की ज्या वेळेला मी खासदार झाली मी आपल्या सगळ्यांना सांगितलं होतं की नंदुरबारहून मुंबईला जाण्यासाठी आपण ट्रेनची व्यवस्था करू। आज आपल्या नंदुरबारहून मुंबईला जायला
आपण जे जसं सांगितलं तसं फक्त एकच नव्हे तर आज तीन रेल्वे या नंदुरबारहून मुंबईला जाण्यासाठी आपल्याला उपलब्ध झालेली आहे. एक खान्देश एक्सप्रेस आहे, एक स्पेशल ट्रेन आहे आणि एक आपल्या नंदुरबारहून मुंबईला जाण्यासाठी पॅसेंजर आहे. म्हणजे जर कोणाला वसई, विरार, डहाणू इकडे मध्ये पण थांबायचं असेल, कारण आपली खान्देश एक्सप्रेस हे मोठ्या स्टेशनवर थांबते, परंतु कोणाला सफाळेला थांबायचं असेल, कोणाला मधल्या कुठल्या स्टेशनवर थांबायचं असेल, तर आपली पॅसेंजर ही सर्व स्टेशन्सवर थांबते. ही देखील ट्रेन ही आपल्या इथून आता मुंबईला जाण्यासाठी डेली दररोज दुपारची ही ट्रेन सुरू झालेली आहे. आता माझा प्रयत्न आहे लवकरच नंदुरबारहून पुण्याला जाण्यासाठी सुद्धा आपण लवकरच ट्रेन सुरू करणार आहोत. आपल्याकडचे खूप विद्यार्थी हे पुण्याला शिकतात आणि म्हणून पुण्याला जायला सुद्धा आपण ट्रेनची व्यवस्था इथून करणार आहोत. कैलाशजी, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने मेरे संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शंस मेरी सभी महिला बहनों को यहाँ बांटे हैं और हर महिला को अपने हाथ से मैंने ये गैस कनेक्शन दिया है. पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फेज वन में 1.5 लाख गैस हमने हमारे क्षेत्र में बांटे और अभी 2019 में मोदी जी ने जब दूसरी बार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 चालू किया उसमें हमने दोबारा से 1 लाख गैस कनेक्शंस बांटे. ऐसे कुल मिला के हमने 2.5 लाख महिलाओं को यहाँ पे हमने गैस के कनेक्शंस दिए हैं. हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र में कई जगह पे बैंक्स नहीं थी तो बैंक के अकाउंट खुलवाने के लिए भी हमारे सभी लोगों को बहुत दिक्कतें आती थी. हमने केंद्र सरकार से हमने विनती की कि हमारे यहाँ पे बैंक के ब्रांचेस बढ़ा दीजिए, तो हमें अभी 17 नई बैंक की ब्रांचेस मिल गई है. अभी इंटीरियर में भी हमारे यहाँ पहाड़ों होंगे या नीचे भी इंटीरियर में जहाँ पे बैंक नहीं थी वहां भी अभी हमारे बैंक के ब्रांचेस खुल रहे हैं. कुल मिला के 17 बैंक की ब्रांचेस हमारे यहाँ कुछ बैंक की ब्रांचेस खुल गई है, कुछ खुलने वाली है. कुल मिला के 17 ब्रांचेस को हमको केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी है. आज मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ा काम जो यहाँ शुरू है वो जल जीवन मिशन हर घर नल से जल इस योजना का है. हमारे यहाँ तापी नदी से हमने कई गांवों को बड़ी बड़ी पानी की स्कीम्स यहाँ पे बनाई और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि हमारे यहाँ क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है तो फंड्स भी हमको उतने लोकली मिलना इम्पॉसिबल था, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के माध्यम से हमें जो भी फंड्स आवश्यक थे वो हमको केंद्र और राज्य सरकार ने हमें दिए. गाविक साहब ने ट्राइबल डिपार्टमेंट से हमको बहुत सारा फंड यहाँ पे उपलब्ध करके दिया, तो हमारी जो स्कीम्स है वो भी आज एकदम सक्सेसफुली यहाँ पे हो रही है. आज मेरे क्षेत्र में हमने करीब 500 करोड़ से ज़्यादा जो बड़े गांव हैं उन्हें 500 करोड़ से ज़्यादा फंड्स हमको केंद्र की सरकार ने दी है और जो छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे पाड़े हैं जहां हमारे यहां 10 घर 20 घर एक जगह पे होते हैं, पाड़ा सिस्टम में लोग रहते हैं, तो वहां पे हमने सोलर के एक नई स्कीम हमने बनाई है. सोलर ड्यूएल पंप्स हमने जगह जगह पे वहां पे बना दिए हैं ताकि छोटे जहां पे बस्ती है छोटे पाड़े हैं उन्हें भी पानी मिल सके और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो हमारे केंद्र सरकार ने एक कमिटमेंट मोदी जी ने जो एक कमिटमेंट की है लोगों को कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमें लोगों को देना है, तो वो भी हमने हमारी केंद्र की जल जीवन मिशन हर घर नल से जल इस योजना के माध्यम से हम दे रहे हैं. आज हमारा नंदुरबार ऐसी जगह पे स्थित है, एक तरफ गुजरात है एक तरफ मध्य प्रदेश है, तो हमारे यहाँ नेशनल हाईवेज की भी बहुत आवश्यकता थी. केंद्र सरकार ने मेरे संसदीय क्षेत्र में 6 नेशनल हाईवे बनाए हैं. 6 नेशनल हाईवे मुझे लगता है आज पूरे हमारे महाराष्ट्र में जितने लोकसभा क्षेत्र है इतने 6 हाईवे कोई भी क्षेत्र में नहीं जितने हमारे यहाँ बन रहे हैं. तो केंद्र सरकार का मोदी जी का मैं यहाँ पे धन्यवाद दूंगी हमारे इन लोगों के माध्यम से. आज जो भी समस्याएं मेरे तक आती है और मैं मोदी जी तक और केंद्र सरकार तक पहुंचाती हूँ उसे बड़ा ही पॉजिटिव हमें वहाँ से रिस्पांस मिलता है और हमारे जो यहाँ के प्रश्न हैं वो बहुत सारे प्रश्न तो 9 सालों में छूट गए हैं, छोटे मोटे जो बच गए हैं वो भी आने वाले समय में छूटेंगे ये विश्वास मुझे यहाँ है. मैं आप हमारे क्षेत्र में आए 2 दिन का हमें आपने समय दिया आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद
व्यक्त करती हूँ। आपले सर्व या ठिकाणी आलेले वेगवेगळ्या योजनेंचे लाभार्थी आपले देखील मी मनापासून आभार व्यक्त करते आणि येणाऱ्या पुढच्या काळात देखील केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या योजना आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मी नक्कीच कटिबद्ध राहील एवढं सांगून इथेच थांबते। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।